नमस्कार, स्वागत है आपका खबरी में। मैं हूँ मरीज अग्निहोत्री। चलते हैं आज की अपनी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव को संबोधित करते हुए कहा, आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ 3 वर्ष के भीतर जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1417 नए मामले सामने आए, 3 मौतें हुई दर्ज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1417 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 3 मौतें दर्ज की गई। इस समयावधि में 2094 लोग संक्रमण से रिकवर हुए और पॉजिटिविटी रेट 9.42% से घटकर 7.53% दर्ज हुआ है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के कुल 6146 सक्रिय मामले हैं। वहीं गुरुवार को दिल्ली में कोविड-19 के 1964 केस आए थे। मर्डर केस सुलझाने के लिए एमपी में एएसआई ने आध्यात्मिक गुरु से मांगी मदद, हुआ निलंबित। छतरपुर में एक एएसआई को 17 वर्षीय लड़की की हत्या का मामला सुलझाने के लिए कथित तौर पर एक स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु से मदद मांगने के बाद निलंबित कर दिया गया है। ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में आध्यात्मिक गुरु ने कुछ लोगों के नाम बोलते हुए कहा, जिसका मैंने नाम नहीं लिया है उससे ही रहस्य खुलेगा। आज से मध्य प्रदेश के 29 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। मध्य प्रदेश में 4 दिन के बाद आज शनिवार से सिस्टम फिर एक्टिव हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड, बघेलखंड में जोरदार बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर में रविवार को जमकर बारिश हो सकती है। रीवा, सिंधी, सिंगरौली और सतना में रेड अलर्ट यानी कि भारी बारिश होने की संभावना है। तो ये थी आज की हमारी सारी खबरें। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद खबरी, क्योंकि हमारी रहती है हर खबर पर नजर।